Hey my YouTube family, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? So दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 checkpoints के बारे में जिन्हें आपको महीने में एक बार चेक करना बहुत जरूरी बनता है, और अगर आप इन 7 checkpoints का ध्यान रखोगे तो आप अपनी बाइक को लंबे समय तक चला पाओगे, लंबे समय तक इसकी एज को बढ़ा सकते हो, और अगर आप इन चीजों को नेगलेक्ट करोगे, नजरअंदाज करोगे, तो आपकी बाइक को आगे जाकर बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और उसकी एज भी काफी कम हो जाएगी। तो चलिए फिर जानते हैं इन 7 checkpoints को भी क्या है ये और बात करते हैं इनके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वन मोर थिंग गाइस कि इन 7 पॉइंट्स से आपको कई क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो द फर्स्ट मेजर पॉइंट इज कि फ्यूल कितना रखना है आपको BS6 बाइक्स के अंदर, बिकॉज आप लोग जानते हो कि BS6 व्हीकल्स के अंदर रॉयल इनफील्ड ने सभी कार्बोरेटर को हटा के EFI की यूनिट लगा दी गई है। तो अगर आप इसमें मिनिमम लाइक इसका जो फ्यूल टैंक है दैट इज कैपेसिटी इज 13.5 लीटर, और अगर आपको इसके EFI को सेफ रखना है गाइस, तो आपको कम से कम इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल को रिजर्व रखना होगा, मतलब मेंटेन करना होगा। अगर आप 2.5 लीटर या उससे कम अगर मेंटेन नहीं करते हो तो इससे EFI यूनिट खराब हो सकती है, और ये काफी महंगा पार्ट है, और अगर ये खराब होता है आपके फ्यूल ना रखने के कारण तो कंपनी इसका कोई क्लेम आपको नहीं देगी दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और जैसा कि कई लोगों के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है बाइक के अंदर कि गाड़ी चलते चलते या आप जब इसको ट्रैफिक में वापस चलाने लगते हो तो बंद हो जाती है, उसका कारण है कि आप इसमें टैंक फुल मत रखिए BS6 व्हीकल्स के अंदर। मुझे मैकेनिक ने कहा था कि आप इसमें 1-2 लीटर टैंक को कम पेट्रोल रखिए, पूरा फ्यूल टैंक को फुल मत कीजिए, ये एक उसका कारण है दोस्तों। तो ये था फ्यूल कितना रखना है, हमने इसके बारे में जाना है एक नंबर पॉइंट में। तो चलिए अब अगला पॉइंट जानते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड चेक पॉइंट्स की, दैट इज अ टायर प्रेशर। टायर प्रेशर दोस्तों काफी इंपैक्ट करता है आपके बाइक की परफॉर्मेंस के ऊपर एंड उसकी माइलेज के ऊपर। तो अगर आप सोलो राइड करते हो तो आपको 20 PSI रखना है आगे के टायर के अंदर एंड द 30 PSI इन द रियर टायर के अंदर, और अगर आप विद पिलियन राइड करते हो गाइस तो आपको 22 PSI फ्रंट टायर के अंदर एंड 32 PSI रियर टायर के अंदर रखना है। Now we check the third checkpoints. It is on our handlebar, guys. And इसमें आपको ये चेक करना है कि आपके सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं, लाइक आपका लो बीम हाई बीम बटन, एंड हेयर इज द पास बटन, हेयर इज द इंडिकेटर बटन, हेयर इज द हॉर्न एंड द किल स्विच। ये आपको हर महीने चेक करना है कि आपके सभी ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं अच्छे से। इट इज द थर्ड चेक पॉइंट। द नेक्स्ट चेक पॉइंट इज योर चैन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी बाइक के अंदर। आपकी बाइक की जो चैन है वो हमेशा नीट एंड क्लियर रहनी चाहिए, ये भी काफी हद तक आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को इनहेंस करती है। लाइक इसमें हम लूप कर सकते हैं टाइम टू टाइम किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, या फिर जब आपकी चैन काफी ज्यादा गंदी हो रखी हो, लाइक आप एक लॉन्ग ट्रिप करके आए हो, एंड इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी चैन कहीं पे कोई रस्टिंग तो नहीं हो रही है। अगर रस्टिंग हो रही है तो आप उसको उसी वक्त ही लूप कीजिए, क्लीन कीजिए। काफी सारे ब्रशेज एंड चैन लूप अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कुछ लिंक्स भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। तो चैन लूप को टाइम टू टाइम कीजिए, इट इज मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर योर बाइक। काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने लगेगी अगर आप चैन को काफी हद तक साफ करते हो तो। Now the fifth checkpoint is rusting issues काफी देखने को मिलती है क्लासिक 350 के अंदर। सबसे पहले रस्टिंग इश्यू सबसे ज्यादा आपको स्पोक्स व्हील्स की इन वायर्स इन तारों के बीच में मिलती है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी साफ नहीं रखते हो तो ये रस्ट पकड़ने लगेगा। मड गार्ड के जो गार्ड्स हैं, मतलब जो एजेस हैं, यहाँ पे आपको रस्ट मिलने को दिख सकता है। और ज्यादातर आपको रस्टिंग की इश्यू जो नट बोल्ट्स होते हैं, जितने भी नट बोल्ट्स हैं, लाइक अगर इंजन कवर पे है या कई छोटे मोटे जो भी नट्स हैं, अगर आप उनको क्लीन नहीं रखते हो और अगर आप ऐसी
ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है या साल्टी एयर है, तो वहां पे आपको ज्यादा रस्टिंग के प्रॉब्लम दिखने को मिल सकते हो। तो जब भी आप बाइक वॉश कर रहे हो, इनको इजीली मतलब साफ कीजिए, चाहे वो ये बैटरी के कवर पे भी आपको रस्टिंग देखने को मिल जाती है, इन्हें आप इन पे कोई मिट्टी को ना बैठने दें, तभी आप रस्टिंग प्रॉब्लम्स को रोक सकते हो गाइस। तो इसका काफी ध्यान रखो। आपको ये स्प्रिंग्स में काफी रस्टिंग देखने को मिलती है, मैंने कई बाइक्स में देखा है, चाहे वो सस्पेंशन के स्प्रिंग्स हो, स्पोक्स व्हील्स के तारे हो, इंडिकेटर्स पे भी, मतलब रस्टिंग इश्यू काफी देखने को। और कईयों के क्वेश्चन भी आते हैं कि रस्टिंग तो नहीं आएगी इस बाइक पे। देखिए गाइस, रस्टिंग तभी नहीं आएगी जब आप उसको साफ रखेंगे, उसके ऊपर ज्यादा बारिश, उस पे पानी और धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से, या फिर मिट्टी जमी हुई से बचा के रखोगे, तो कभी भी आपकी बाइक में रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रस्टिंग आ गई है तो काफी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उनको यूज करके काफी हद तक रैग मार्क्स से रस्टिंग को एक बार हटा सकते हो और उसके बाद बाइक को प्रोटेक्ट रख सकते हो। नाउ इज द सिक्स्थ चेक पॉइंट इज इंजन ऑयल लेवल एंड द ब्रेक ऑयल लेवल। तो जैसा कि गाइस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको टू पॉइंट्स मिलते हैं इंजन ऑयल चेक करने के लिए, तो हमेशा इंजन ऑयल का जो स्केल है वो इन दोनों पॉइंट्स के मिड में होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें ब्रेक ऑयल की, तो यहाँ पे आपको रियर का ब्रेक ऑयल मिलता है और इस जगह पे आपको फ्रंट का ब्रेक ऑयल देखने को मिलता है। तो ये दोनों ब्रेक ऑयल एंड इंजन का जो ऑयल है वो हमेशा मेंटेन रहने चाहिए आपके बाइक को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो इंजन ऑयल है वो आपके बाइक में 2 लीटर एंड 300 ml की कैपेसिटी है। तो जब भी आप सर्विस कराने जा रहे हो तो अच्छे से इंजन ऑयल डलवाएं। एंड इसको अगर आपका इंजन ऑयल काफी ज्यादा ब्लैक हो रखा है, यहाँ दिख रहा है, तब भी आप इसे चेंज करवा सकते हो। तो दिस इज द सिक्स्थ चेक पॉइंट। नाउ द लास्ट चेक पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट इज जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो गाइस, तो यहाँ पे आपको ABS का एक साइन दिखाई देता है। एंड जब भी आप 5 किलोमीटर एंड उससे अबव स्पीड को पकड़ लेते हो तो ये ABS का निशान भी चला जाना चाहिए, यानी कि बंद हो जाना चाहिए। अगर इस ये लगातार कंटिन्यूटी के अंदर अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ABS में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको जैसे ही हम किल स्विच को ऑन करते हैं तो एक आपका इंजन का भी यहाँ पे वार्निंग का जो सिंबल है वो आपको दिखाई देता है। तो ये भी जब आप बाइक को ऑन करके स्टार्ट करके चलने लगते हैं तो ये भी बंद होना चाहिए। और अगर ये भी कंटिन्यूटी जगता रहता है तो इसका मतलब है कि आपके इंजन में कोई ना कोई इश्यू आ रहा है। तो हमेशा इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखिए। और अगर जैसे ही इन दो पॉइंट्स के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो इमीडिएट आप रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन में जाके उसको फिक्स करवाइए गाइस। तो ये थे सातों के सातों वो चेक पॉइंट जिसको आपको हर महीने के अंदर आपको इसका ध्यान रखना है, इनको चेक करते रहना है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसका सपोर्ट बेहद जरूरी है। ऐसी ही वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।